मेरा नाम करण है, मुंबई के रेडियो चैनल में मैं रेडियो शो होस्ट करता हूं और इस साल मैं आईपीएल का भी हिस्सा हूं स्टार स्पोर्ट्स में। सो आई एम प्रेजेंटिंग आईपीएल और मेरे लिए खुशी की बात है कि बचपन से मैं क्रिकेट खेलता आया हूं, कभी चांस नहीं मिला। गली क्रिकेट जो बचपन में हम सब खेलते हैं, तो वैसे ही सारे जो प्लेयर्स हैं वेट कर रहे हैं कोई प्लेटफॉर्म के लिए, कोई चांस के लिए। और वीपीएल जैसा एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है सारे प्लेयर्स को, ये एक अलग ही बात उनके लिए होती है, अलग ही मोटिवेशन होता है उनके लाइफ में कि हाँ, यहाँ से शायद हम और भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म जब मिल जाता है अपना अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा पूरा प्लेटफॉर्म है वीपीएल का। और सीज़न 5th है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के जितने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, सभी लोगों ने सराहाया इसको, लीग को। तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इस लीग में, इसके लिए 5th सीज़न हो रहा है। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। मेरे साथ 5 कैप्टन्स हैं टीम के जो भिड़ने वाले हैं वीपीएल सीज़न 5 की चमचमाती ट्रॉफी के लिए। एक बचपन से ड्रीम था कि एक अच्छा क्रिकेटर बनना, और हर क्रिकेटर के लिए खुशी की बात होती है कि जब उसका उसके स्कोर को दुनिया देखे। 2017 में वैलेंट की तरफ से खेलते हुए नेपाल के सामने एक 10th विकेट पार्टनरशिप में मैंने हाईएस्ट पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन 2017। तो उसके बाद एक अच्छा फेम मिला और वैलेंट के थ्रू और वीपीएल के थ्रू बहुत सारे लोगों ने जाना समझा, और ये धीरे धीरे ये पैशन बनता गया। तो मेरा ज़्यादातर फोकस ना वैलेंट प्रीमियर लीग खेलने में रहता गया, क्योंकि गुजरात का मोस्ट पॉपुलर लीग है, अब वो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर बन गया है। पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेटर भी खेले थे। ये एक सपोर्टिव कोर्स के लिए ये टूर्नामेंट होता है वैलेंट प्रीमियर लीग, इसलिए हम लोग सारे खेलते हैं। बिकॉज मेन चीज़ है कि रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स को चांस देते, जो एकदम ऐसे बच्चे होते हैं, नीडी बच्चे होते हैं, जो कुछ एफर्ट नहीं कर पाते, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और कहीं से भी ये बीसीसीआई का कंपटीशन नहीं है, बीसीसीआई के सामने नहीं है, ये ग्रामीण कक्षा के क्रिकेटरों का एक टूर्नामेंट है, जिसमें बस ये फेम हमें इतना अच्छा मिला है। हम उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए इस लीग में खेलते हैं कि वो भी इंटरनेशनल रणजी ट्रॉफी प्लेयरों के साथ खेल के उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिले और उनका जो गेम है क्रिकेट का वो अच्छे स्तर पर जाए। तो ये बेसिकली हमारा थीम है वैलेंट प्रीमियर लीग का। और इनफैक्ट आई थिंक यहाँ के जो प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं, शायद जो बीसीसीआई है, जो सारी स्टेट रणजी टीम है, उनके नोटिस में कुछ आए तो शायद उनको भी एक बस हाँ एक एक, एक प्रयत्न है। एक ये एक हमारा एक हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म या ऐसा कुछ प्रोडक्ट उनको बना के दें, बट कहीं ना कहीं हम लोग रिमोट एरिया के क्रिकेटर्स हैं, उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं से कहीं हमारा उनके साथ कॉम्पिटिशन है नहीं। और वैलेंट प्रीमियर लीग है वो एक बेसिकली इसी थीम पे काम करता है। मैं खुद मीडिया चैनल में काम करता हूँ, और जो अनसंग हीरोज़ होते हैं, जो अनहर्ड हीरोज़ होते हैं, उनको लाइमलाइट में लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब पता चलता है कि जो टैलेंट है छुपा हुआ। क्रिकेट इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट है, बहुत सारे भी है सारे स्पोर्ट्स, लेकिन क्रिकेट बहुत सबसे बड़ा स्पोर्ट है। तो जब एक टैलेंट रूरल एरिया से आता है जो किसी ने कहीं सुना ना हो, और जब ये सारे टैलेंट हम देखते हैं आते हुए, आजकल बहुत सारे नाम है जो हम देखते ही बोलते हैं वाव, हमको पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ। तो वैसा ही जब एक मीडिया अगर सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक हाईलाइट करना शुरू कर दे, तो एक बेस्ट हो जाता है। और एक प्लेटफॉर्म मीडिया ही क्रिएट करता है, एक हाइप मीडिया ही क्रिएट करके देता है। तो अगर सारे मीडिया जुड़ जाएँ सारे ऐसे प्लेयर्स को लाने में लिए, बीट एनी स्पॉट, क्रिकेट क्यों, कोई भी स्पॉट में इंडिया का अगर नाम हमको रोशन करना है, इंडिया का झंडा सब जगह हम चाहते हैं कि लहराए, तो मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। क्योंकि मीडिया अगर हाईलाइट करेंगी तो शायद कोई उस प्लेयर को स्पॉन्सर मिल जाए बड़ा। इतने सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आजकल, सारे प्लेयर्स को स्पॉन्सर करते हैं, 2-3 साल उनकी देखरेख करते हैं। जैसे नीरज चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है, और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रहा था, तब जाके गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया के लिए। तो वैसे ही अगर मीडिया पहले से ही हाइप करना शुरू कर दे, उसके बाद जीतने के बाद का फ़र्क नहीं, लेकिन उसके पहले जब हाइप मिल जाए ना, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आ जाए। नहीं, दे आर उन लोग देखते हैं, उन लोग का स्काउटिंग होते रहता है। एंड आई एम सो ग्लैड वीपीएल कर रहा है, सारे जो रिमोट एरियाज से लेके आ रहा है, तो नेवर नो, मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से भी शायद स्काउट होके प्लेयर्स आगे जाए। नज़र सबकी रहती है, अगर कोई अच्छा खेल रहा है नज़र सबकी रहती है, बस एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वीपीएल प्लेटफॉर्म दे रहा है बारंबार। 5th सीज़न है, तो आई एम श्योर यहाँ से कुछ बड़ा ही होगा जो सारे प्लेयर्स जुड़े हुए। लास्ट बस ये बताऊँगा कि सलमान अहमदाबाद के कैप्टन हैं, रिची शुक्ला भोपाल के, ये हमारे होस्ट हैं, जो अब से मेरे ख्याल से आने वाली 10 सीज़न तक ये आपको यही नज़र आएंगे। बोल दें भाई, रिकॉर्ड कर लो। बिल्कुल। और श्लोक भट्ट है जो वडोदरा के कैप्टन बने इस बार, जयेश वसावा जो ग्वालियर के बने, ग्वालियर, तो इस बार हम एक अच्छा कंपटीशन में खेलने वाले हैं, और एक टफ कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सबका जो टीम है बहुत अच्छा बना है, और लेट्स होप जो बेस्ट टीम होगी वो जीतेगी।
और ये जितने भी सेलेब सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी टीम ऑनर सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जल्द क्रिकेट के ग्राउंड में हम सब मिलेंगे। थैंक यू।